चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे 6 दिन बीत चुके हैं और अब इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें लैंडर चांद पर उतरता दिखाई दे रहा है। लैंडर के इमेजर कैमरे ने HD वीडियो क्वालिटी का वीडियो शूट किया है। चंद्रयान 3 ने जब नीचे उतरना शुरू किया तो चांद चक्कर लगाता साफ दिखाई दे रहा था। चांद की सतह पर छोटे बड़े गड्ढे और खाइयां भी दिखाई दे रही हैं। कुछ ही मिनट के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच जाता है और चांद की सतह और उसमें मौजूद क्रेटर साफ दिखाई देने लगते हैं। और कुछ ही सेकंड बाद वो पल आता है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर जाता है। लैंडर जब चांद की सतह पर लैंड कर जाता है तब कुछ घंटों के बाद रोवर उसमें से बाहर चांद की सतह पर रैंप के जरिए उतरता है। कुछ देर पहले चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने धरती वासियों को मैसेज भेजा है। रोवर के मैसेज से ऐसा लगता है कि चांद के रहस्य से जुड़ी उसे कोई बड़ी जानकारी हाथ लगी है। रोवर ने अपने मैसेज में लिखा है कि पृथ्वीवासियों हेलो, मैं चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं चंद्रमा के रहस्यों को बेपर्दा करने की राह पर हूं। मैं और मेरा दोस्त विक्रम लैंडर एक दूसरे के संपर्क में हैं। हमारी सेहत बहुत अच्छी है। द बेस्ट इज कमिंग सून, यानी बेहतरीन खबर जल्द आ रही है। तो ये रोवर की तरफ से मैसेज सामने आया। लैंडर से नीचे उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है, लेकिन उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 6 दिनों में प्रज्ञान रोवर अभी तक सिर्फ 12 मीटर ही चल पाया है, जबकि इसरो ने रोवर के लिए रोज 30 मीटर चहलकदमी की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा अब तक हो नहीं पाया है। प्रज्ञान रोवर एक बार में सिर्फ 5 मीटर तक चल सकता है। इस दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रज्ञान रोवर को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो उसे पहले वहां की जमीन, रोशनी, तापमान और दूसरी अहम चीजों को परखना पड़ता है। यही नहीं, आगे कोई खतरा या बाधा तो नहीं है, इसका भी उसे ख्याल रखना होता है। जैसे 27 अगस्त को रोवर के नेविगेशन कैमरे में 3 मीटर दूर एक 4 मीटर डायमीटर का गड्ढा दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही उसने अपना पाथ यानी रास्ता बदल लिया। ऐसा करने में उसे काफी वक्त लगा, क्योंकि प्रज्ञान रोवर को आगे बढ़ने या रुकने के सभी निर्देश इसरो के कमांड सेंटर से ही जाते हैं। बेंगलुरु में कमांड सेंटर से ही चक्के हालात को भी परखा जाता है और फिर वो निर्देश प्रज्ञान रोवर को भेजे जाते हैं। प्रज्ञान रोवर का संदेश कमांड सेंटर तक पहुंचने और कमांड सेंटर का संदेश रोवर तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। कम्युनिकेशन की मुश्किलों की वजह से ही अगर रोवर को 1 इंच भी आगे बढ़ना हो तो उसमें 5 घंटे का भी वक्त लग सकता है। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर का साइज भी काफी बड़ा नहीं है। रोवर से डेटा भेजने की रफ्तार भी सीमित है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर सीधा बेंगलुरु के कमांड सेंटर से बात नहीं कर सकता है। वो सिर्फ चांद की सतह पर खड़े विक्रम लैंडर से ही बात कर सकता है, यानी संपर्क कर सकता है। इमेज लेके पहले पृथ्वी पे उसको भेजा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद हम यहाँ से कमांड देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रोवर अपना डेटा पहले लैंडर को भेजता है, फिर लैंडर उस सूचना को इसरो के कंट्रोल रूम को भेजता है, या यूं कहें कि इसरो का कंट्रोल रूम लैंडर में आए डेटा को डाउनलोड करता है। कंट्रोल रूम में मौजूद इसरो के वैज्ञानिक उस डेटा का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद अगले कदम का फैसला लैंडर को भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। इसरो के वैज्ञानिकों की कोशिश है कि बचे हुए दिनों में रोवर 300 से 400 मीटर की दूरी तय कर सके। प्रज्ञान रोवर को चांद पर चलता हुआ देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन चांद की सतह पर रोवर की चहलकदमी की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। हम आपको बता दें कि रोवर प्रज्ञान के चांद की सतह पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कई फेजेस होते हैं। रोवर सबसे पहले अपने रास्ते की प्लानिंग करता है। रोवर के ऑनबोर्ड कैमरा आगे के रास्तों की तस्वीरें खींचते हैं और रोवर में लगे सेंसर अगली जगह के तापमान और वातावरण का डेटा जुटाते हैं। इस डेटा को रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर को भेजता है। विक्रम लैंडर रोवर से मिले डेटा को इसरो कमांड सेंटर भेजता है। लैंडर के डेटा को बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाया जाता है। फिर इसरो की ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि किस रास्ते पर रोवर को जाना है। रास्ता सेफ है ये यकीन होने पर ही इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को कमांड देते हैं। लैंडर इसरो से मिले निर्देश को रोवर को भेजता है। निर्देश मिलने के बाद ही रोवर फिर आगे बढ़ता है। रोवर का नेविगेशन कैमरा जो तस्वीरें भेजता है उनमें ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर तक का ही रास्ता बनाया जा सकता है, इसलिए एक बार में रोवर चांद की सतह पर मैक्सिमम 5 मीटर ही चल सकता है।
चांद पर मौजूद चंद्रयान 3 चांद पर कुल 14 दिन ही रहेगा। 14 दिन बाद चांद पर रात हो जाएगी जो अगले 14 दिनों तक रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या रात को लैंडर और रोवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे या वो चांद की सतह पर 14 रातों में भी सक्रिय रहेंगे। चांद पर 23 अगस्त को सूरज उगा था जो 6 सितंबर तक ढल जाएगा। रात होने पर लैंडर और रोवर एक तरह से डेड हो जाएंगे क्योंकि अभी तक तो लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के जरिए सूरज की रोशनी से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जब सूरज डूब जाएगा तो ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाएगा और दोनों काम करना बंद कर देंगे। लैंडर और रोवर के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि रात होने पर चांद पर तापमान -133 डिग्री तक चला जाएगा। इस बर्फीली सर्दी में भी लैंडर और रोवर के उपकरणों के काम में बाधा आएगी। जबकि टेम्परेचर -120 से -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, उसमें ऐसी संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मुसीबतें आ सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों को ये भी उम्मीद है कि दोबारा सूरज निकलने के बाद विक्रम और लैंडर रिएक्टिव हो सकते हैं, दोबारा सौर ऊर्जा से उन्हें जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। अभी कुछ कह नहीं सकते, वो करने पे ही पता लगेगा कि कितना हम सक्सेसफुल होते हैं, सफल हो पाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाने का प्लान पूछा। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर भी सवाल पूछे और सरकार से रोड मैप मांगा। मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सब्सिडी के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए तक सस्ता होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए इसे रक्षाबंधन और ओणम का तोहफा बताया। आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया। दक्षिण भारत में ओणम का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सभी मंदिरों में खास सजावट की गई है। मुंबई के वर्धा से आए किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। फसल की कम कीमत मिलने से नाराज किसानों ने मंत्रालय की छत से कूदने की कोशिश की। हालात ऐसे रहे कि पुलिस को नीचे जाली लगाकर किसानों को रोकना पड़ा। रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की है, जिसकी नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में अब 200 रुपए की कटौती होगी। इसका फायदा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी होगा। 200 रुपए की इस कटौती से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधे तौर पर 400 रुपए का फायदा होगा, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए हर सिलेंडर पर ये राहत 200 रुपए की होगी। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 1103 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 903 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में 902.50 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर जो है वो 900 रुपए का मिलेगा, माफ कीजिए, और कोलकाता में 929 रुपए में, पटना में 1001 रुपए में अब ये सिलेंडर मिलेगा। घरेलू गैस के दामों में राहत देने के साथ ही सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शंस भी बांटेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। Z News.